हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमित मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रोसर्जरी सेंटर वैशाली नगर जयपुर। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही विशेष टॉपिक है, क्योंकि यह जो इंजरीज होती हैं कलाई की, इसमें एक रेडियस बोन होती है जो कि रिस्ट ज्वाइंट से जुड़कर एक बहुत सारी ज्वाइंट्स बनाती है, कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट है। इस ज्वाइंट का फ्रैक्चर काफ़ी लोगों को होता है। ऐसा क्यों कॉमन है ये इस ज्वाइंट का फ्रैक्चर? क्योंकि जो लोग यंग लोग एज होते हैं, तो जब भी वो जैसे बाइक तेज चला रहे होते हैं या फिर तेजी के दौड़ रहे होते हैं और अटक के गिर जाते हैं, तो हाथों के बल गिरते हैं, तो यहाँ की जो रेडियस बोन होती है वो टूट जाती है उनकी, जिसको नाजुक सा और छोटा सा फ्रैक्चर माना जाता है। कुछ लोग फाइटिंग कर रहे होते हैं, किसी ने उनका हाथ मोड़ दिया तो उनका यहाँ का फ्रैक्चर हो जाता है। कुछ लोग ये स्पेसिफिक फ्रैक्चर्स ओल्ड एज के होते हैं, क्योंकि उनकी बोन काफ़ी वीक हुई भी होती हैं और वो जरा सा अटक के भी, अगर जैसे चल रहे हैं उनकी जो सैंडल है वो कहीं पे अटक गई, कारपेट पे अटक गई या फिर बाथरूम में स्लिप हो गए, तो ओल्ड एज में इनको हम ऑस्टियोपोरोटिक के फ्रैक्चर्स में डालते हैं। दैट मीन्स जिनकी बोन जो वीक हो गई होती है, उनकी ये बोन जब भी हाथ के बल गिरते हैं तो यहाँ की हड्डी टूट जाती है। तो इस टाइप के फ्रैक्चर्स जो लोग इनके लिए क्या ट्रीटमेंट लेते हैं, वो सब चीज़ें बाद में डिस्कस होंगी। सबसे पहले डिस्कस होगा कि ये कितने टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं और हम डॉक्टर्स लोग उनको जो भी एक्सरे आते हैं तो किस टाइप का फ्रैक्चर देखते हैं। जो हम स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, हैंड सर्जन या माइक्रो सर्जन होते हैं, वो इस फ्रैक्चर्स को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से देखते हैं। वो किस टाइप से देखते हैं वो हम आपको कुछ स्लाइड्स के द्वारा बताएंगे। तो ये जो फ्रैक्चर्स हैं उनके बारे में मैं अगर आपको हाथ में दिखाऊं, तो ये अंगूठा है, यहाँ की साइड बड़ी बोन होती है जो कि यहाँ पर है। ये जो छोटी उंगली है, यहाँ की साइड छोटी बोन होती है जो यहाँ पर है। तो इस हाथ में दो बोन हो गई, एक रेडियस बोन जो अंगूठे की साइड है और जो छोटी बोन जो लिटिल फिंगर की साइड है, जिसको अल्ना बोन बोलते हैं। तो हाथ जो हमारा डिस्कस जो करने का जो रोल है वो है इस रेडियस बोन का फ्रैक्चर, क्योंकि ये जितना भी वेट होता है हाथों का वो सारा इसी बोन के थ्रू इस हाथ से जाता है। और जब भी हम इसके हाथ के बल गिरते हैं तो इस बोन पर जब वेट जाता है तो ये बोन वीक होने के कारण टूट जाती है। तो इस ये जो बोन होती है बहुत सारे जॉइंट बनाती है, जो कि यहाँ पर जितनी बोन्स होती हैं इसके आगे उससे जॉइंट्स बनाती हैं, जो इसके बाद जो इस बोन है इसके साइड जॉइंट्स बनाती हैं, और वो फर्दर जो बोन्स हैं फर्दर जॉइंट्स बनाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ये फ्रैक्चर कहाँ से हुआ है, वो हम कुछ स्लाइड्स के द्वारा आपको बताएंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें ट्रीटमेंट क्या करना होता है। ओके सर, तो ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो इसमें जो मैंने आपको बताया था कि जो ये रेडियस बोन है, जो बड़ी बोन है, ये बड़ी बोन है, ये इस बोन के भी दो पार्ट हैं, जो एक बीच के मिडल पार्ट से इधर आ गया और एक ये सेंटर का पार्ट आ गया और ये एक छोटी बोन आ गई है। तो ये तीन कॉलम है, जो बाहर का कॉलम, बीच का कॉलम और साइड का कॉलम। अब यही अगर जब हम बोन ड्यूरिंग ऑपरेशन में देखते हैं तो ये बोन ऐसी दिखती है टेढ़ी सी, और ये जो कॉलम है बाहर के ऐसे कॉलम दिखते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में ऐसे कॉलम दिखते हैं। जब ये हम एक्सरे देखते हैं तो उसमें ये जो बड़ी बोन दिख रही है ये वो बोन है जिसको रेडियस बोन बोलते हैं, और ये जो लेटरल बाहर का कॉलम था वो इस बोन के साथ जॉइंट बनाता है, और जो बीच का कॉलम था वो इस बोन के साथ जॉइंट बनाता है, और जो सबसे अंदर का कॉलम है जो लिटिल फिंगर की साइड होता है ये बोन होता है। इस बोन में और इस बोन में क्या डिफरेंस होता है? ये जो छोटी लिटिल फिंगर की साइड बोन होती है वो छोटी बोन होती है, और जो रेडियस की साथ की तरफ बोन आती है वो काफ़ी आगे तक जाती है, ये कुछ एंगल्स बनाती हैं जो हम एक्सरे में देखते हैं। ऐसी ये बोन एक अलाइनमेंट चेक करते हैं, कितना स्ट्रेट बोन कितनी लाइन में जा रही है, किस साइड शिफ्ट हो गई है फ्रैक्चर होकर, ये हम चेक करते हैं एज ए स्पेशलिस्ट लोग। कुछ नाम है फ्रैक्चर्स के, जिसका नाम होता है कुलीज फ्रैक्चर, जिसको बहुत ही कॉमनली बताया जाता है कि आपको कुलीज फ्रैक्चर है। तो कुलीज फ्रैक्चर में क्या होता है, जो बोन है ये बोन जॉइंट्स के नीचे से टूटती है, इसमें जॉइंट आपका नॉर्मल होता है, इसलिए ऐसे कुलीज फ्रैक्चर्स में हम पेशेंट्स की डिमांड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनको क्या ट्रीटमेंट लेना है। कुछ नाम होते हैं डाई पंच फ्रैक्चर्स या फिर शॉफर फ्रैक्चर्स, या आपके डॉक्टर्स आपको बोलते हैं। डाई पंच फ्रैक्चर एक बहुत ही गंदा फ्रैक्चर होता है, जिसमें जॉइंट का पूरा सरफेस इंटैक्ट दिखता है, लेकिन एक एरिया ऐसा दिखता है जो कि डिप्रेस होके नीचे आ गया है, जिसके कारण जॉइंट उनका मिसमैच हो जाता है। ये जो शॉफर फ्रैक्चर है उसमें जॉइंट का एक बड़ा पार्ट टूट गया होता है, लेकिन वो फिक्स आराम से हो सकता है। लेकिन ऐसे इंजरीज को हम 100% फ्रैक्चर्स मानते हैं और इसको माइल्ड फ्रैक्चर्स नहीं माना जाता। कुछ लोग कुलीज फ्रैक्चर के ऑपोजिट नाम लेते हैं, जिसको बोला जाता है स्मिथ फ्रैक्चर। इसमें फ्रैक्चर बिल्कुल जैसा कुलीज फ्रैक्चर होता है वैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो जॉइंट टूटकर आगे की साइड आता है और कुलीज फ्रैक्चर में वो पीछे की साइड आता है। कुछ लोग आपको बार्टन फ्रैक्चर का नाम देते हैं, उस बार्टन फ्रैक्चर का मीन्स ये होता है कि जो आपका एक्सरे है उस एक्सरे में आपका जैसे ये एक फ्रंट का पार्ट है, पीछे का पार्ट है,
तो बार्टन फ्रैक्चर में ये या तो आगे का पार्ट टूट गया होता है या पीछे का पार्ट टूट गया होता है। अगर आगे का टूट गया होता है उसको वोलर बार्टन कहते हैं, अगर पीछे का टूट गया होता है तो वो डॉर्सल बार्टन करते हैं। इस ऑपरेशन इस इंजरीज में 100% ऑपरेशन ही होता है। कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि सिर्फ एक बोन को इन्वॉल्व नहीं करते बल्कि जो बाहर की बोन होती है उसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे इसमें है एक बोन इन्वॉल्व है लेकिन जो दूसरी बोन है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। कुछ फ्रैक्चर्स हैं जिसमें बोन का जो फ्रैक्चर हो जो बोन जिस फ्रैक्चर हुआ है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में हो गया है, जैसा कि इसमें दिख रहा है कि मल्टीपल फ्रैक्चर लाइंस हैं। जब ये हम एक्सरे के बजाय हम एक 3D मॉडल एक स्पेशलिस्ट लोग देखते हैं तो हम उनका एक 3D मॉडल बनाते हैं ब्रेन में, जिस टाइप से ये पार्ट है कि ये आगे का पार्ट टूट गया, पीछे का पार्ट टूट गया, ये बाहर का पार्ट टूट गया है, ये भी इधर का पार्ट टूट गया है और ये दो छोटी बोन है उसका भी पार्ट टूट गया है। ये जो स्पेशलिस्ट लोग हैं जब ऐसा ब्रेन में एक 3D मॉडल बनाकर जो डिसाइड करते हैं उसके बाद ही हम पेशेंट को बता पाते हैं कि आपका कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट है। ऐसे ये फ्रैक्चर्स हैं जिसको हम क्लासिफाई करते हैं, जिसमें हमने जब 3D मॉडल बना लेते हैं तो फिर हम उनको डायग्राम में पढ़ के एक्सरे करके समझाते हैं कि आपका ये फ्रैक्चर ऐसे है और इसमें प्लास्टर क्यों ज़रूरी है और ऑपरेशन क्यों ज़रूरी नहीं है और ऑपरेशन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ऐसे हम पेशेंट को समझाते हैं। ये जो पार्ट है जब पूरा 3D मॉडल बनकर और हम 3D डायग्राम में जब बनाते हैं तो हमें उनके सारे पार्ट्स दिख जाते हैं और ये पेशेंट को समझाने में बहुत आसान होता है कि आपके जो फ्रैक्चर्स हैं इस इतने इतने भागों में टूट गए हैं। ये उनको हम जब दिखाते हैं फिर उसके बाद हम उनको CT स्कैन के लिए बोलते हैं तो CT स्कैन में हमें उनका पूरा जैसा स्ट्रक्चर हमने बताया था उतना क्लियर करके उनको सामने दिखने लगता है उनकी खुद की रिस्ट जॉइंट का, तो उससे उनको डिसीजन लेने में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इन ट्रीटमेंट के थ्रू हमने जो स्लाइड्स हैं इनके थ्रू हमने आपको ये डॉक्टर बनाने की कोशिश नहीं की है बल्कि आपको ये डिसाइड करने के लिए बताया है कि स्पेशलिस्ट लोग इस रेडियस के फ्रैक्चर को कैसे देखते हैं और आपको डिसीजन सिर्फ एक्सरे दिखाकर नहीं लेना है, डॉक्टर से समझ कर लेना है कि इसमें क्या फ़ायदा है ऑपरेशन का या फिर प्लास्टर का। अब बात आती है कि आपको रिस्ट फ्रैक्चर हो गया है तो इमीडिएटली इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको क्या लेना है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको फ्रैक्चर दिख गया है तो आपको उसको प्लास्टर लगवाना ही लगवाना है। प्लास्टर का एक तरीका होता है लगाने का क्योंकि इस बोन को हमको सपोर्ट करना है तो पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक आता है जिसमें अंगूठे को हमको डिपेंड करता है कि अंगूठे की बोन भी अगर टूटी है तो उसको प्लास्टर में लेना है, अदरवाइज उसको प्लास्टर में नहीं लेना है। आपको हाथ को ऊपर रखना है और जॉइंट जो भी प्लास्टर की लाइन है वो एक फिंगर तक नहीं आनी चाहिए, सिर्फ यहीं तक आनी चाहिए प्लास्टर की लाइन। अगर इससे ऊपर आ रही है तो आपकी उंगलियों के मूवमेंट में काफ़ी दिक्कत होगी और जाम हो सकता है। आपको दवाई लेनी है सूजन कम करने के लिए और आपको जैसा डॉक्टर कह रहे हैं वैसे फॉलो करना है और कुछ पेन किलर्स आपको शुरुआत में लेनी है। इसका ऑपरेशन इतना इमरजेंसी नहीं है कि आज ही चोट लगी और आपको कल ऑपरेशन कराना है, आप 4 से 5 दिन का टाइम ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन जो जैसा आपके वहाँ पे स्पेशलिस्ट लोग बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्लास्टर्स कब करना है और ऑपरेशन कब नहीं करना है। थैंक यू सो मच।